अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं, खमन ढोकला। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त ढोकला हमने बनाकर रेडी किया है, होममेड ढोकला, एकदम सॉफ्ट ढोकला हमने बनाकर रेडी किया है। एक पीस हम उठाकर देख लेते हैं, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट और जूसी बना है हमारा ढोकला। घर में जो मटेरियल है वही यूज़ करके हमने ढोकला बनाकर तैयार किया है। बेसन से हमने इडली के सांचे में भी डालकर बनाया था, देख सकते हैं ये इडली के जैसे शेप में हमने बनाकर रेडी किया है। ये भी एकदम हल्का फुल्का बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बेसन लिया है हमने, आधा किलो बेसन लिया है हमने, ये मार्केट का कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम नमक डालेंगे, नमक हम 2 टीस्पून भर कर डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे, शक्कर हमने 3 टीस्पून भर कर डाली है, शक्कर हम आगे भी डालने वाले हैं, 3 टीस्पून हमने डाल दी है। अब इसको हल्के से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा तेल, तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब तेल लगेगा, क्योंकि बेसन हमारा ज़्यादा है ना, तो 6 टेबल स्पून लगेगा। अगर आप आधा लेके बना रहे हैं, 1.25 किलो का बना रहे हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी आधी कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी हमने 1 लीटर लिया है पूरी बॉटल भर कर, उसमें से जितनी ज़रूरत हो उतनी लेंगे, आधा लीटर से ज़्यादा हम पानी यूज़ करने वाले हैं इसमें। हल्का हल्का करते ऐड करेंगे, पूरा एक साथ नहीं करेंगे, पहले इसके लम्स निकाल लेंगे हम अच्छी तरह से, अच्छे से हम फेंट लेंगे इसको, एक भी लम्स बाकी ना रहे इसमें। देख सकते हैं कितना एकदम अच्छे से हमने फेंट कर ले लिया है। हमने इसे चम्मच से ही फेंटा है, आपके पास विस्कर है तो इसे अच्छे से फेंट सकते हैं आप। देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम इनो डालेंगे, 3 पैकेट हमको इनो लगे हैं, 500 ग्राम आटे में हमने 3 पैकेट डाल दिए हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ से फेंटना है, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है आप, और थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं, पहले 1 पैकेट डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब भी ढोकला बनाने की रेडी करें आप, तो उससे पहले आप पानी रख देना गैस पर जिस पे आप बनाने वाले हैं, डेगची में 1 गिलास पानी डालकर रख देना, और जो बर्तन में बनाएंगे उसको अच्छे से तेल से ग्रीस कर देना, अच्छे से तेल लगा देना, ताकि ढोकला चिपके नहीं। देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गया है आटा, एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हम इडली का सांचा लिया है हमने, अब इसके अंदर हम डालते जाएंगे एक एक। इसे आप बर्तन में भी, डब्बे में, या कोई भी बर्तन जो भी आपके पास केक टिन हो उसमें भी आप बना सकते हैं, हाफ क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जाओ या तो फिर इतनी ही क्वांटिटी ले सकते हैं आधा किलो की। अब इसको हम स्टीमर में रख देंगे, स्टीमर का पानी अच्छे से हमारा बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर डाल लेंगे और 20 से 25 मिनट हम इसे रख देंगे ढककर। आप अगर इडली के सांचे में नहीं बना रहे, सादे बर्तन में बना रहे, तो सेम बर्तन ऐसे ही लें, उसमें आप 1 से 1.5 गिलास पानी डालें, और जो भी टिन में आप डालने वाले हैं, जो भी बर्तन में, उसको आप तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें, ताकि ढोकला हमारा चिपके। 25 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ढोकला हमारा अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, प्लेट अच्छी गर्म है, इसके लिए एकदम एहतियात से निकालना पड़ेगा इसे। हम अक्सर डब्बे में ही बनाते हैं, स्टील का जो डब्बा रहता है ना, उसी में बनाते हैं। देख सकते हैं ये स्टील के डब्बे में हमने बनाकर रेडी किया है, एकदम हल्के फुल्के ढोकले हमारे बनकर रेडी हो गए, छोटे छोटे इडली जैसे, जो डब्बे में है उसे भी देख सकते हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से छूट रहा है। हम हमेशा डब्बे में ही बनाते हैं, तो अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई बर्तन हो तो उसी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, या तो फिर आप इडली के सांचे में भी बना सकते हैं, बच्चों को इडली के सांचे में बना हुआ और ज़्यादा अच्छा लगता है खाने के लिए। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन में हमने तेल डाल दिया है, 3 से 4 टेबल स्पून तेल लिया है, उसके अंदर हमने 2 टीस्पून भरकर राई डाली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता,
20 से 25 पत्ते लिए हमने कड़ी पत्ता के, और उसे धोकर डाल दिया है। और मिर्ची लिए हमने 10 से 12 मिर्ची ले सकते हैं आप आपके टेस्ट के हिसाब से। और इसको हमने कट कर लिया है, दो टुकड़ों में कट कर लेंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा स्पाइसी टेस्ट आएगा इसमें। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम फिर से शक्कर डालने वाले हैं, 2 टीस्पून भरकर हम इसमें शक्कर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, फौरन ही पानी डाल देंगे। पहले थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि इसका क्रैकल होने के बाद तेल उड़ता है ना, इसीलिए फिर बाद में डाल दिया है। 1 ग्लास पानी हमने टोटल यूज़ किया है इसको। अब पानी को बॉईल आने देते हैं और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। शक्कर हमारी अच्छे से पिघल चुकी है, गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको ले लेंगे हम। अब ढोकले पर डालते जाएंगे चम्मच की मदद से, अच्छे से साइड से बीच में से अच्छे से पोर करके डालना है ताकि नीचे तक इसका पानी चला जाए। मीठा पानी है और तड़का है उसमें तो और अच्छा फ्लेवर आता है। देखा होगा आपने मार्केट में जो ढोकला मिलता है वो बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। अच्छे से हम तड़का लगाएंगे। अगर आपको हाफ क्वांटिटी का मेजरमेंट चाहिए तो हम वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको हम ढोकले को थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ये थोड़ा सा चिपक गया था, बहुत ज़्यादा ओवरफिल हो गया था उसकी वजह से थोड़ा सा चिपक गया था एक के ऊपर एक। अब इसके ऊपर भी हम तड़का डाल देंगे, अच्छी तरह से डालना है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जर्व होने थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। ढोकला हमारा बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा, आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।